हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश। दोस्तों, हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए जीएस वर्ल्ड की एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का, उसी के लिए साथियों हमने जीएस वर्ल्ड की एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज चुना है। जीएस वर्ल्ड की पाँचवीं टेस्ट सीरीज, जो शुद्ध रूप से जियोग्राफी और कुछ यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न हैं। आज का ये जो हमारा जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज है साथियों, इसलिए बहुत ज़्यादा खास है कि इसमें कुल 150 प्रश्न हैं और 150 के 150 प्रश्न शुद्ध रूप से जियोग्राफी से संबंधित है। तो आप सोच कर देखिए, आप जब ऐसे 150 प्रश्नों को ऐसी महत्वपूर्ण और विश्वसनीय संस्था के द्वारा बनाया गया 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, उसके सारे डिस्क्रिप्शन को देख लेंगे, तो आपको यह आभास हो जाएगा कि जियोग्राफी के जितने भी टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक से ये आपको कनेक्ट करवा देगा 150 प्रश्न। ये जब आप हर एक टॉपिक से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा किस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, किस टॉपिक से कैसे प्रश्न बनते हैं, कहाँ से बनते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी, बहुत सारा आपको यहाँ फैक्ट सीखने को मिलेगा, बहुत सारा यहाँ कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, जो अदर क्वेश्चन आपको नया क्वेश्चन आएगा उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा आपको जो है प्रश्न सॉल्व करने में। तो साथियों, वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, मिस ना करिएगा वीडियो को, क्योंकि साथियों ये ऐसी वैसी टेस्ट सीरीज नहीं है कि हमने अपने घर पर ही इसको टाइप करके सस्ते सस्ते और घटिया टाइप के प्रश्न, मसालेदार टाइप के प्रश्न डालकर पढ़ाएँ और जिसको पढ़ाने और पढ़ने में मज़ा आता है उसका सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। तो साथियों, बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, इसको आप जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे आपके वो आगे काम आएगा। और आप लोग इसे अंत तक देखकर वीडियो को रोक रोक कर अपने आप को जांचने का कोशिश करिएगा कि हम लोग कितने पानी में हैं, जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूपी पीसीएस का, उसमें हम कहाँ खड़े हैं, अपने आप को कितना तैयार किए हैं, हम अपने आप को क्या समझते हैं, ये अपने आप को जांचिए, क्योंकि आप ही अपने आप का सबसे बड़ा जज हो मेरे भाई। तो चले हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है हमारा पहला प्रश्न। बहुत बढ़िया साथियों, देखें पहला प्रश्न हमारा भारतीय जलवायु से संबंधित है। बहुत बढ़िया, भारतीय जलवायु के संदर्भ में दो कथन दिया है, इन्हीं कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर दे देना है, बस यही कहना है। तो पढ़ें, आपको मालूम होगा भारतीय जलवायु, हमारा भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहते हैं, तो यही पहला कथन भी है कि संपूर्ण भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में पाया जाता है। जी मेरे भाई, बिल्कुल सही, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, इसका विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में पाया जाता है। जी मेरे भाई, ये भी कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको बता दें उष्ण कटिबंध का मतलब होता है कि जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़े और गर्मी बहुत ज़्यादा हो उसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है, और उपोष्ण कटिबंध जो होता है इसका मतलब ये होता है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़े और कम और ज़्यादा दोनों पाई जाती हैं उसे उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो भारत में ऐसा दोनों है, तो इसका विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में है, तो दोनों के दोनों कथन मेरे भाई हमारा सही है, तो इसका मतलब उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया साथियों, चले हम लोग अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कर्क रेखा से संबंधित है साथियों। बहुत बढ़िया, ऐसे प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखें, कर्क रेखा के संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है, विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही नहीं है उसी को आपको पकड़ना है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कर्क रेखा के बारे में आप लोग जानते हैं, यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, ये भी सही है, और यह भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ये भी सही है, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों के आप लोग नाम देख लीजिएगा, हमें को यहाँ समय लग जाएगा तो ये पूछ लेता है किसी में, और यह लाल सागर से होकर भी गुजरती है, जबकि इसमें कहा है कि लाल सागर से होकर नहीं गुजरती है, यही गलत है मेरे भाई, क्योंकि कर्क रेखा लाल सागर से भी होकर गुजरती है। लाल सागर कहाँ है, सऊदी अरब और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करता है यही लाल सागर, तो लाल सागर से भी होकर गुजरती है, तो यहाँ ये गलत कर दिया था, नहीं गुजरती, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यही हमारा सही है, क्यों, क्योंकि लाल सागर से कर्क रेखा गुजरती है और भोपाल इसके सबसे निकटवर्तन स्थित शहर है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत था, तो हमने बता दिया यही गलत है, क्यों गलत था आप लोग समझ गए। तीसरा वाला देखते हैं हम लोग, देखें भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा से संबंधित आपको कथन दिए गए हैं, आपको सही चयन करना है।
तो आपको बता दें, भारतीय मानक समय रेखा साथियों 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन सा है आपको बता दें, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और अंत में आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है ये भारतीय मानक समय रेखा। तो जिसमें आप लोग देखेंगे ये झारखंड और पश्चिम बंगाल नहीं है, केवल 1 और 3 सही हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य होगा। बहुत बढ़िया साथियों, चलें हम लोग अब चौथे प्रश्न पर। देखें चौथा प्रश्न हमारा आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में है। आग्नेय चट्टानों के बारे में आप लोग जानते हैं, ये चट्टानों का पिता कहा जाता है आग्नेय चट्टानों का, क्योंकि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो अंदर से मैग्मा निकलकर जब पृथ्वी पर आता है, ठंडा होता है, लावा बनता है, तो वही सबसे पहले जो है आग्नेय चट्टानें बनती हैं। तो आग्नेय चट्टानें रवेदार एवं दानेदार होते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। डाइक और सिल इसके विभिन्न रूप होते हैं, ये भी बात सही है। आग्नेय शैल में संधियां निचले भाग की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक पाई जाती हैं। जी मेरे भाई, यही बात, ये भी बात सही है, यानी ये तीन के तीनों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग पाँचवें पर। पाँचवा देखें साथियों क्या कह रहा है हमारा। देखें पाँचवा प्रश्न इसी से संबंधित है, बहुत बढ़िया। एक तरफ हमें दिया है मौलिक चट्टान और दूसरी तरफ दिया है कि मौलिक चट्टान से कौन सा चट्टान बनती है रूपांतरित होकर। तो रूपांतरित चट्टान उसकी तरफ दिया है और कौन सा सही है, कौन सा सही मिलान है, उसी को हमें विकल्प में रख लेना है। तो बालू पत्थर जब रूपांतरित होता है तो साथियों क्वार्टजाइट में होता है, ये बात बिल्कुल सही है। गैब्रो जो होता है सर्पेंटाइन में होता है, ये बात तो हम लोग जानते हैं। ये बात हम लोग और जानते हैं बहुत अच्छे से, चूना पत्थर का जब रूपांतरण होता है तो यह संगमरमर में होता है, यानी जो संगमरमर बनता है, आप लोग संगमरमर देखे हो जिसे ताजमहल बनी है, उसका मूल क्या था, मूल चट्टान चूना पत्थर था, यानी चूना पत्थर का जो रूपांतरण होगा तो ये संगमरमर में बदलेगी, नीस में नहीं। इसका मतलब नीस इस पर दे दिया तो ये भी वाला गलत हो गया, ये कांग्लोमेरेट जो है ये नीस में बदलती है। तो इसका मतलब 3 और 4 ये गलत हैं, केवल 1 और 2 सही हैं। तो हमें सही उत्तर पूछा है तो 1 और 2 हम लोग लगा देंगे, यही हमारा उत्तर होगा। आगे हम लोग देखें साथियों, देखें ये आपको देखने में खूब ढेर सारा लिखा है, आपको बहकाने का काम कर रहा है। जहाँ भी ढेर सारा लिखा हो प्रश्न में, वो जान लीजिए क्वेश्चन बहुत सरल है, वो आपको सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारा लिख देता है, बच्चों को कुछ इस तरह से घबड़वाने के लिए। तो देखें इसमें कुछ दम नहीं है, यही कह रहा है कि हमने कथन दिया है ए और कारण दिया है आर, इन्हीं दोनों को पढ़ लीजिए और पढ़कर सही उत्तर दे दीजिए। तो हमने कथन को पढ़ा, जब जल एवं ज्वालामुखी के उद्गार में गहरा संबंध होता है। जी मेरे भाई, जल एवं ज्वालामुखी के उद्गार में बहुत गहरा संबंध होता है, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है जब ज्वालामुखी उद्गार होता है सबसे ज़्यादा कौन सी गैसें निकलती हैं, तो जलवाष्प निकलती हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जल है और वही जल टेम्परेचर के अलावा भाप बनता है, और वो ज्वालामुखी उद्गार में वो भाप का प्रेशर भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सत्य है। आर की बात करें तो ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन में बेसाल्ट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। यस मेरे भाई, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर जो हमारा ये प्रश्न का उत्तर, जो दोनों की बातें सही हो गई। अब जो हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है तो दोनों के दोनों बातें सही हैं, जल एवं ज्वालामुखी उद्गार में गहरा संबंध है और ये दरारी उद्भेदन में बेसाल्ट की मात्रा अधिक होती है, लेकिन ये इसका कारण नहीं बता रहा है। दोनों सही है, जैसे आप पढ़ने में तेज हो क्योंकि आपके गुरु आपको अच्छे से पढ़ाए, अगर मैं कहूँ आप पढ़ने में तेज हो क्योंकि आपका नाम अमित है, तो दोनों बात सही, आपका नाम अमित है, आप पढ़ने में तेज हो, लेकिन इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसीलिए इसका कारण नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर सत्य होगा, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। आगे चले हम लोग सातवां में, देखते हैं क्या है। देखें सातवां में कह रहा है, कौन नदीकृत झील का उदाहरण नहीं है मेरे भाई, यानी नदीकृत नदियों से बनाया गया झील कौन सा नहीं है इसमें। तो आपको बता दें डेल्टा झील होती है, डेल्टा नदी में ही बनते हैं, नदियों के ही माध्यम से, तो डेल्टा झील जो बनती है वो नदियों से ही बनती है, लेकिन हमसे पूछा कौन सा नदीकृत नहीं है, तो ये उत्तर नहीं होगा।
जलोढ़ पंख भी जो है ये नदीकृत झील होती है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। चाँप झील ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, यही हमारा उत्तर है। ये जो चाँप झील होता है ये नदीकृत झील नहीं है, और ये जो बालू स्तूप झील है ये भी नहीं है, क्योंकि ये जो है बालू का स्तूप झील ये भी पवन के द्वारा बनता है, हवा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी ये नदीकृत झील नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, वैसे भी ये भी नदीकृत नहीं है, तो ये भी होना चाहिए इसका उत्तर। तो लेकिन ये दोनों नदीकृत हैं, क्योंकि ये भी हवा से बनती है। आगे चले हम लोग आठवें में देखते हैं, देखें आठवां क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि सौर मंडल के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो सौर मंडल के संदर्भ में बताना है क्या सही नहीं है। तो पहले बता दें, नक्षत्र मंडल तारों में विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृतियां हैं। तो नक्षत्र मंडल क्या है? तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृतियां हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, ये जो है एक तारों का समूह है, इन्हीं तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। इसका मतलब यही है, ये सब कथन बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो बी वाला आप पढ़ोगे तो कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग एक तिहाई है। मेरे भाई यही गलत है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग एक चौथाई है। तो याद रखना, एक चौथाई है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमसे गलत ही पूछा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। और बाकी सब समझ लेना आप, ब्लू मून जो है पूर्णिमा के दिन घटित होने वाली घटना है, ये भी बात सही है। क्योंकि जब ये गलत है तो इसका मतलब सब सही होंगे, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। ब्लू मून पूर्णिमा क्या होती है? जब एक ही महीने में दो पूर्णिमा हो जाती है, तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू पूर्णिमा हम लोग कहते हैं। पृथ्वी सूर्य चंद्रमा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। यस, ये सब सही हैं। बी वाला गलत पूछा था, तो बी वाला गलत है, क्योंकि एक तिहाई नहीं एक चौथाई होता है। नौवा में हम लोग देखें नौवे में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को हमें बताना है मेरे भाई। बहुत बढ़िया प्रश्न, ये आपको बहुत सारा कंसेप्ट भी सिखाएगा। देखें, कह रहा है कि उल्का पिंड से संबंधित, उल्का पिंड पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व जलकर नष्ट हो जाते हैं। मेरे भाई उल्काश्म पृथ्वी से पहुंचने पर पहले नष्ट हो जाते हैं। जब उल्का होते हैं वो आते हैं तो वायुमंडल में घर्षण के कारण ये जलकर जब नष्ट हो जाते हैं तो उन्हें उल्काश्म कहा जाता है। और जलकर जब नष्ट नहीं होते हैं, आकर पृथ्वी से टकरा जाते हैं, पृथ्वी पर गड्ढा बन जाता है जिसे हम लोग क्रेटर कहते हैं, क्रेटर से एक झील बन जाती है जो महाराष्ट्र के बुलढाणा ज़िले में एक झील भी है, तो वो उल्का पिंड के द्वारा झील बनती है। तो उल्काश्म वायुमंडल से घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते, चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते। गलत है मेरे भाई। तो यहाँ पर उल्का पिंड होना चाहिए था, यहाँ पर उल्काश्म होना चाहिए था, तब दोनों सही होते। इसका उल्टा दे दिया, ये यहाँ होना चाहिए था और ये यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ दोनों के दोनों कथन सही नहीं हैं। तो कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन डी, न तो एक न तो दो। आप लोग याद आ गए आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत बढ़िया प्रश्न था ये। तो फिर से एक बार आपको बता दें, उल्का पिंड जो होता है वो पृथ्वी से आके टकराता है, और उल्काश्म जो होता है वायुमंडल में घर्षण के कारण जल जाता है। तो यहाँ दोनों उल्टा दे दिया था। दसवां में हम लोग देखें दसवां कह रहा है प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रधान मध्यान रेखा जिसे हम लोग जीरो देशांतर भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मेरे भाई ये बढ़िया प्रश्न है, आपको मालूम है ये यूरोप के तीन देशों से होकर गुजरती है, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस, ये यूरोप के तीन देशों से गुजरती है। फिर आती है अफ्रीका में, अफ्रीका में भी कई सारे देशों से, बुर्किना फासो में और सारे कई देशों से होकर गुजरती है। लेकिन यहाँ आप लोग एक नाम देखेंगे, मेडागास्कर तो मेरे भाई हिंद महासागर में एक द्वीप है, ये यहाँ कैसे आ गया? क्योंकि जो प्रधान मध्यान रेखा है ये अटलांटिक महासागर से गुजरती है, तो ये मेडागास्कर तो हिंद महासागर में, तो यहाँ कहाँ से आएगा? तो यही होगा, यहीं से नहीं गुजरती है, बाकी स्पेन, फ्रांस, बुर्किना फासो, माली, इन सब से गुजरती है। तो चले हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं, दसवां वाला, ग्यारहवां में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज नहीं है?
तो अधात्विक खनिज नहीं है। तो बड़े मेरे भाई ये सारे कई प्रश्न हैं। आपको खनिज जो होता है, मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे दूं, खनिज दो प्रकार के होता है, एक लौह एक अलौह। तो अधात्विक खनिज पूछ रहा है, तो खनिज में ये चूना पत्थर तो खनिज है नहीं मेरे भाई, कोयला तो खनिज है नहीं, पेट्रोलियम तो खनिज है नहीं, तो अधात्विक शीशा खनिज है लेकिन अधात्विक है, तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा हमारा। तो हम लोग देखें 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न में मेरे भाई बहुत बढ़िया, आपको आसानी से मूर्ख बनाना चाह रहा है ये प्रश्न पूछकर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज नहीं है। तो मेरे भाई अधात्विक खनिज नहीं है इसका मतलब धात्विक खनिज है। आपसे कोई पूछे आप चोर नहीं हो, इसका मतलब आप साव हो, तो यही मतलब आपसे थोड़ा सा घुमा कर पूछा है। अधात्विक खनिज नहीं है तो यानी कौन सा धात्विक खनिज है, तो धात्विक खनिज चूना पत्थर तो नहीं है, कोयला भी नहीं है, पेट्रोलियम भी नहीं है, तो शीशा एक धात्विक खनिज है। और आपको बता दें धात्विक खनिज में लौह और अलौह खनिज आते हैं दो प्रकार से, तो ये शीशा जो है अलौह खनिज में आता है, तो याद रखिएगा आप अलौह खनिज में आता है ये शीशा मैंगनीज। तो ऑप्शन नंबर बी ये अधात्विक खनिज नहीं है यानी धात्विक खनिज है। 12 वाले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भौतिक अपक्षय नहीं है। तो भौतिक अपक्षय, अपक्षय का मतलब होता है साथियों नष्ट हो जाना उसकी, तो भौतिक अपक्षय, अपक्षय तीन प्रकार से होते हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। तो आपको ये मालूम होगा जलयोजन जो है यहाँ पर ये भौतिक अपक्षय नहीं है, जबकि घर्षण, तुषार, ताप ये सब जो है भौतिक अपक्षय हैं। तो 12वें का हमारा उत्तर बी हो जाएगा, जलयोजन। आगे बढ़े हम लोग 13 देखते हैं क्या है। देखें 13 वाले में क्या पूछा जा रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न, दो ठो कथन दिया है, इन्हीं कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर निकाल लेना है। तो पहला कह रहा है किसी प्रक्रम में बहने वाले पदार्थों के आपस में टकराकर छोटा होने की प्रक्रिया अपघर्षण कहलाती है। नहीं मेरे भाई ये गलत है। कोई सिस्टम हो जैसे नदी हो, उसमें बड़े बड़े टुकड़े बह रहे हों और वो लोग आपस में टकरा कर छोटे हो जाएँ तो उन्हें सन्निघर्षण कहा जाता है, उल्टा दे दिया है, ये अपघर्षण नहीं होता है, उन्हें सन्निघर्षण कहा जाता है। और दूसरा में कह रहा है कि पवन के द्वारा शुष्क या अर्धशुष्क प्रदेशों में अवसादों के उड़ाव की क्रिया को सन्निघर्षण कहा जाता है। जब सन्निघर्षण इसे कहा जाता है तो ये तो ऑटोमेटिक गलत हो गया, इसे अपघर्षण कहा जाता है, यानी अपघर्षण दूसरे में रहना चाहिए था, सन्निघर्षण पहले में, तब सही हो जाता। तो दोनों के दोनों कथन हमारे यहाँ गलत हो गए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो ये न तो वो। आगे हम लोग देखें 14 में क्या कह रहा है। तो 14वें वाले प्रश्न में साथियों हमसे पूछा जा रहा है, एक तरफ पर्वत श्रेणी दिया है, दूसरी तरफ उसका लोकेशन स्थिति दिया है, कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ है और कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो देखें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, सबको पता है, बहुत फेमस है, कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ग्रेट डिवाइन रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, हमसे गलत पूछा है तो जो गलत मिलान होगा उसी को बताना है। एटलस पर्वत सभी को पता है अफ्रीका में है, पश्चिमी अफ्रीका में। अल्टाई माउंटेन जो है ये मध्य एशिया में पाया जाता है, अल्टाई माउंटेन मध्य एशिया में। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों जब सही हो गए तो डी वाला हमारा गलत होगा, क्योंकि डेकेंसबर्ग जो है मेरे भाई, ये डेकेंसबर्ग जो है ये तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों, इसमें आपको कई सारा फैक्ट देखने को मिलेगा, एक तरफ पर्वत श्रेणी दिया है और दूसरी तरफ उसकी स्थिति यानी लोकेशन दिया गया है, और कौन सा मिसमैच है, सही सुमेलित नहीं है उसी को आपको बताना है। तो पहला जब आप पढ़ेंगे तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, सबको पता है, बहुत फेमस है ये।
एटलस पर्वत आप बचपन से ही छठवीं से ही पढ़ते आ रहे हैं, पश्चिमी अफ्रीका में है, और अल्टाई माउंटेन है ये मध्य एशिया में है, और डेकेंसबर्ग जो है ये डेकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी यह रूस में नहीं है मेरे भाई, यह जो है ये पूर्वी अफ्रीका में है। आप लोग अब पूर्वी अफ्रीका का अगर मैप देखेंगे तो डेकेंसबर्ग वहाँ है, तो इसका मतलब यह रूस में नहीं है, यही गलत था। और रूस में जो है काकेकस एक बहुत फेमस पर्वत है, रूस में वहाँ वो है काकेकस, और डेकेंसबर्ग कहाँ है, ये ईस्ट अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका। आगे बढ़े हम लोग 15 में, देखें 15 में क्या कह रहा है, मोटो ग्रासो पठार। मोटो ग्रासो पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, मैक्सिको, कहाँ है मेरे भाई, तो ब्राज़ील में है, ऑप्शन नंबर ए यही हमारा उत्तर है। मोटो ग्रासो पठार किस देश में स्थित है, ब्राज़ील में। और आपको मालूम होगा कोलंबिया का पठार, आपको जैसे बता दें अमेरिका में क्या है, एक बहुत बढ़िया कोलंबिया का पठार है, बहुत फेमस है कोलंबिया का पठार। और अर्जेंटीना की बात करेंगे, अर्जेंटीना में एक पेंटागोनिया नाम का एक पठार है, मैक्सिको में भी छिपाया पठार ऐसे करके है। तो जो हमसे पूछा है मोटो ग्रासो पठार जो फेमस है ब्राज़ील में। तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में खूब भारी भरकम लिखा है, ये आपको डराने के लिए लिखा है, जबकि यह प्रश्न बहुत ही सरल है, आपको सिर्फ ये कह रहा है इतना में, इतना जो भारी भरकम लिखा है इसका कोई मतलब नहीं, कह रहा है हमने एक कथन को दिया है, एक कारण को दिया है, इन्हीं दोनों को पढ़कर आप सही उत्तर को दे दीजिए विकल्प में। तो पहला पढ़ेंगे तो पहला कह रहा है, समताप मंडल के निचले हिस्से में भी ध्रुवी जेट स्ट्रीम और उपोष्णकटिबंध जेट स्ट्रीम से प्रभावित होता है। जी मेरे भाई, समताप मंडल इन दोनों से प्रभावित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है कथन इसका। कारण क्या है, ओजोन की उपस्थिति के कारण ऊंचाई बढ़ने से तापमान घटता है। तो नहीं मेरे भाई, ये समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने से तापमान बढ़ने लगता है, ये जो है क्षोभ मंडल में ऐसा होता है, तो कारण ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा आपको दिखाएं ऑप्शन, तो ऑप्शन जो है हमारा डी होगा, ए सही है आर गलत है। आगे बढ़े हम लोग 17 में, 17 में भी देखो थोड़ा सा ज़्यादा लिखा है, लिखने पर मत जाइए, आप लोग देखिए कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है एक कथन है और एक कारण है, दोनों को पढ़कर सही उत्तर दे देना है। कथन कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर वायु ऊपर उठती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जाकर बैठ जाती है। जी मेरे भाई ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, यानी वायुदाब कम हो जाता है और ऊपर जाकर वहाँ बैठ जाती हैं जहाँ वायुदाब अधिक होता है, यानी जहाँ टेम्परेचर कम होता है, तो ये बात सही है। कारण कह रहा है भूमध्य रेखा पर कम दाब होता है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च दाब होता है। तो यस मेरे भाई, इसका कारण इन्होंने सही बताया जो मैंने बताया, तो ये 17 वाले का प्रश्न जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है इसमें, इसमें पछुआ पवनों के संदर्भ में कुछ कथन दिया है और कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, गलत है, उसी को बताइए आप। तो मेरे भाई पछुआ पवन को जान लीजिए मोटे मोटे शब्दों में, यह पश्चिम से चलती है, लगभग पश्चिम से और पूरब की तरफ, तो आप लोगों मतलब ये मोटा मोटा मैंने बताया, जबकि इसकी जो है प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है, ऐसे ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ ऐसे चलती है पछुआ पवन, उत्तरी गोलार्ध में, मैं उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ। तो ए वाला कह रहा है यह लगभग 35 डिग्री से 65 डिग्री के बीच उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के मध्य चलती है। जी मेरे भाई ये तो बात बिल्कुल सही है पशु पवनों के संदर्भ में। बी वाला कह रहा है यह उत्तरी गोलार्ध में इनकी प्रवाह की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है, तो यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ऐसे चलती है। नहीं मेरे भाई ये गलत है, जो मैंने बताया अभी यही चलती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, तो यही गलत है हमारा, ऑप्शन नंबर बी गलत है, यही हमारा उत्तर होगा। और सी वाला तो आप जानते हैं, जब ये गलत हो गया तो सब सही होंगे, दक्षिणी गोलार्ध में यह बाई ओर विक्षेपित हो जाती है और यह दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन शक्तिशाली होती है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से यही हमारा गलत है, क्योंकि इसकी दिशा इधर होती है। आगे हम लोग चलें,
2019 में। देखें, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु के संदर्भ में कुछ कथन दिया है, इन्हीं कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है 19 वाले में। तो पहला पढ़ेंगे तो कह रहा है, गर्मियों में जब सूर्य कर्क रेखा पर स्थित हो जाता है तो मध्य एशिया में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो यस मेरे भाई, जब सूर्य कर्क रेखा पर आता है तो गर्मी ज़्यादा होती है, तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, तो दाब कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। बी कह रहा है, यहाँ शुष्क पर्णपाती वन चौड़ी पत्ती वाले कठोर दृढ़ लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। तो 19 में मेरे भाई दोनों के दोनों कथन हमारा ये सही है, ये भी बात सही है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। एक तरफ इसमें शेल्फ दिया है, दूसरी तरफ स्थल दिया है। तो कौन सा शेल्फ किस स्थल से संबंधित है, वो सही मिलान जो है उसी को बताना है। तो देखें, पहला क्या है हमारा, हिमाच्छादित शेल्फ जो होता है यह ग्रीनलैंड के आसपास का जो क्षेत्र होता है इसी संबंधित है। और कोरल रीफ शेल्फ जो होता है यह क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है यहाँ से। तो ये दोनों तो हमारे सही हो गए। अब हमारा जो है, अब ये दोनों सही हैं। और वृक्ष शाखा जैसी घाटियों वाले जो शेल्फ होते हैं मेरे भाई, ये हडसन नदी के मुहाने पर हैं, यहाँ दिया है गंगा नदी के मुहाने पर, तो ये गलत हो गया। और नवीनतम पर्वत शेल्फ जो होता है यह हवाई द्वीप के बीच की श्रृंखलाओं का शेल्फ है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल हमारा सत्य है। आगे बढ़ें हम लोग 21 में। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो बताइए लवणता यानी ये निम्नलिखित में से सर्वाधिक लवण की मात्रा पाई जाती है। तो सीधी सी बात, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड या NaCl में, इसी में लगभग 65-70% जो है क्लोराइड पाया जाता है। आगे देखें 22 में क्या है। देखें 22 वाले में भी थोड़ा ज़्यादा लिखा है, लेकिन लिखने पर न जाइए आप। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, पहला में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है उसी को बताना है दोनों कथनों को पढ़कर। ITCZ स्थिति में दबाव का संबंध उत्तरी भारतीय मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित पश्चिमी जेट स्ट्रीम की वापसी की घटना से भी है। यस मेरे भाई, ये कथन सही है। दूसरा कह रहा है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम के इस क्षेत्र में हटने के बाद ही पूर्व जेट स्ट्रीम लगभग 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थापित होती है, जिसे भारत में मानसून के प्रस्फोटन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। यस, तो जेट स्ट्रीम के संदर्भ में दोनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 22वें का। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क जलवायु का एक प्रकार नहीं है। तो शुष्क जलवायु का कौन सा एक प्रकार नहीं है उसी को बताना है। तो शुष्क जलवायु का प्रकार नहीं है यानी ये आर्द्र जलवायु का प्रकार है, आप इसका कहने का सेंस समझिए। तो उष्णकटिबंधीय मानसून शुष्क जलवायु नहीं है, या यह जो है आर्द्र जलवायु का एक प्रकार होता है, यहाँ इसमें वर्षा होती है, शुष्क कहाँ से हो जाएगा। तो यही हमारा उत्तर होगा। बाकी जितने उपोष्णकटिबंधीय स्थल लिखे गए हैं, मध्य अक्षांशीय स्थल लिखे गए हैं, उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी लिखे गए हैं, ये सब के सब शुष्क जलवायु के प्रकार हैं। आगे बढ़ें हम लोग 24 में। निम्नलिखित में से कौन सा यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो मेरे भाई ये सिंध जो है, एक सिंध वो वाली नहीं है पाकिस्तान वाली, एक सिंध जो है यहाँ MP से भी जाती है, तो ये सिंध, बेतवा, केन, ये सब जो हैं यमुना नदी की सहायक नदी हैं, जबकि कोसी गंगा नदी की सहायक नदी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया, आगे चले हम लोग 25 में देखते हैं। देखें 25 में क्या कह रहा है। प्रायद्वीपी अपवाह तंत्र के संबंध में कुछ कथन दिए गए, इन्हीं कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, पहले वाले में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां बड़ा डेल्टा बनाती हैं। यस मेरे भाई, जो पूर्व की ओर नदियां प्रवाहित होती हैं वो बड़े डेल्टे का निर्माण करती हैं, पश्चिम की ओर जो नदियाँ यानी अरब सागर की ओर बहती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ये सही है हमारा, और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां एस्चुरी बनाती, मैंने पहले बताया ये सही है। तो दोनों के दोनों कथन यहाँ हमारे सत्य हैं। आगे देखें हम लोग 26 में। 26 में साथियों कह रहा है कि कपिलधारा जलप्रपात निम्नलिखित में से
किस नदी पर है? तो कपिलधारा नदी प्रपात साथियों आपको मालूम होगा ये नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 26वें का, ऑप्शन नंबर बी यही हमारा उत्तर होगा। आगे हम लोग अगर चलें तो देखें क्या है हमारा 27 में, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय रूप से चरनोजम कहा जाता है? तो मेरे भाई काली मिट्टी जो होती है उसे इंटरनेशनल लेवल पर चरनोजम कहा जाता है, जबकि हमारे भारत में उसे कपासी मृदा कहते हैं क्योंकि उसमें कपास की अच्छी खेती होती है और उसे जो है अलग अलग नामों से, कई सारे नामों से उसे जाना जाता है काली मिट्टी को। तो ऑप्शन नंबर बी चरनोजम क्या है? काली मिट्टी। आगे हम लोग चलें देखते हैं क्या है 28 में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ वर्ष भर उष्णता आर्द्रता बनी रहती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जहाँ होते हैं मेरे भाई वहाँ पर्याप्त गर्मी और नमी दोनों बनी रहती है, तो ये तो सही है लेकिन हमसे गलत पूछा है। प्रचुर मात्रा में वनस्पतियाँ पाई जाती हैं ये भी बात सही है क्योंकि हमेशा वहाँ हरे भरे रहते हैं, उनके पत्ते एक साथ नहीं गिरते हैं, जलवायु में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है तो ये भी बात सही है, वहाँ की जलवायु में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संदर्भ में, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही हैं। तो इसका मतलब यही चौथा गलत होगा, आपको नहीं पता है फिर भी लगा दिए क्योंकि तीन आपको पता है ये तीन सही हैं तो इसका मतलब ये चौथा ही गलत होगा। अब बात आती है क्यों गलत है, तो शुष्क मौसम नहीं पाया जाता है। तो मेरे भाई शुष्क मौसम पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में, लेकिन वो बहुत ही छोटा क्षेत्र होता है, बहुत ही कम समय के लिए पाया जाता है लेकिन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यही गलत है, डी वाला हमारा उत्तर हो जाएगा 28वें का। चले हम लोग 29 पे देखते हैं क्या है। देखें 29 वाला भी प्रश्न बहुत सही है, ये कई सारे एग्जाम में भी पूछा गया है। कह रहा है ऊसर भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो जो ऊसर भूमि है उसके संदर्भ में दो कथन दिया है, इन्हीं पर विचार करके हमें सही उत्तर देना है। तो इस भूमि पर 5 वर्ष तक के लिए कृषि नहीं किया जा सकता, तो मेरे भाई गलत है। जो ऊसर भूमि होती है उस पर जो है 1 या 2 साल तक भूमि नहीं, खेती नहीं की जाता है, जबकि 5 वर्ष तक जहाँ खेती नहीं की जाती है उसे हम लोग बंजर कहते हैं, तो ये हमारा तो गलत हो गया। ऊसरीकरण से भूमि प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से खोई हुई उर्वरता को प्राप्त किया जाता है। अगर कोई आपसे पूछे ऊसरीकरण क्या होता है, तो ऊसरीकरण से जो ऊसर भूमि होती है उसकी उर्वरता जो नष्ट हो गई थी उसे प्राप्त करने की एक विधि है। तो ये 2 हमारा सही है 1 गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सत्य है, 29 का ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चले हम लोग 30 में देखते हैं क्या है। तो यहाँ देखिए 30 में आपको बुझनी बुझा रहा है, यह बांस कुल का पौधा यानी बांस के परिवार से संबंधित पौधा है, अभी बता रहा है कौन है, तो आपसे पूछ रहा है उस पौधे का नाम बताइए जो बांस कुल से यानी बांस परिवार से संबंधित हो और उस पौधे के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए, औसत वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो कौन सा पौधा है? तो आप जानते होंगे जब यहाँ बांस कुल से कह दिया तो गन्ना आप देखेंगे जैसे बिल्ली होती है वो बाघ परिवार से संबंधित होती है, बाघ एक तरह का बिल्ली ही है लेकिन वो बड़ी बिल्ली है, तो उसी तरफ गन्ना बांस जो है एक तरह का गन्ना है, वो बहुत बड़ा जो है गन्ना है, तो उसका प्रयोग हम लोग तो नहीं करते लेकिन वो गन्ना ही गन्ना के परिवार से ही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 31 में हम लोग चलते हैं क्या है, 31 में देखें विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो साथियों विश्व की आपको मालूम होगा विश्व की पहली सबसे लंबी नदी जो होती है वो नील नदी है आपको पता है, और दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो अमेजन नदी होती है अमेजन, और तीसरी सबसे बड़ी जो नदी यहाँ पर पूछ रहा है वो डेन्यूब नदी है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर होगा हमारा। देखें 32 में क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आप लोग जब दक्षिण अमेरिका का देश देखोगे तो वो दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा आपको वहाँ ब्राज़ील दिखेगा मेरे भाई, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है?
ब्राज़ील, ब्राज़ील से ही जो है विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर। 33 में क्या कह रहा है भाई, विश्व के सबसे बड़े द्वीप का क्या नाम है? तो मेरे भाई ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड जो उत्तरी अमेरिका की तरफ है, उत्तरी अमेरिका से सटा हुआ है, और लेकिन उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए पर इसका कब्जा नहीं है, इसका कब्जा जो है ये जो है यूरोप का है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा, सबसे बड़े द्वीप का नाम ग्रीनलैंड है। 34 में देखते हैं क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस तट पर स्थित है? तो मेरे भाई ग्रेट बैरियर रीफ जो होता है यह एक प्रवाल से बना हुआ है, यह ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसको ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में, यस मुंगे यानी मैंने पहले बताया जो मुंगे है उसके द्वारा दीवार से बनी हुई है। आगे देखें 34-35 में, कौन सा देश सबसे अधिक ज्वालामुखियों का घर है? तो मेरे भाई ये देश का नाम पूछ रहा है कहाँ सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है, तो मेरे भाई इंडोनेशिया या फिलीपींस, दोनों सब लोग जानते हैं, इसी दोनों में से कोई है, और लोग इसी दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होते हैं। तो मेरे भाई इंडोनेशिया में विश्व का जो है सबसे अधिक ज्वालामुखी का घर है, यहीं पर रिंग ऑफ पैसिफिक है, आप लोग जानते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर ज्वालामुखी, इन क्षेत्रों में ज्वालामुखी बहुत आते हैं, तो उसी के अंतर्गत इंडोनेशिया भी आता है। आगे देखें हम लोग 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, विचार करके सही उत्तर दे दीजिए। पहला पढ़ लीजिए, शिमला शहर धौलाधर श्रेणी पे बसा हुआ शहर है, जी बिल्कुल सही बात। नैनीताल कुमायूं की पहाड़ियों पर बसा हुआ है, जी बिल्कुल सही बात। अटल टनल पूर्वी पीर पंजाल में स्थित है, जी बिल्कुल, यानी 36वें का हमारा यहाँ पर तीन के तीनों सभी सत्य हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें हम लोग 37 में क्या कह रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस देश को प्राचीन काल में एरियाना एवं मध्यकाल में खुरासन के नाम से जाना जाता था? बहुत बढ़िया प्रश्न आपको इतिहास में जोड़ दिया, किस देश को प्राचीन काल में उसे एरियाना कहा जाता था लेकिन मध्यकाल में उसे खुरासन नाम से जाना जाने लगा? तो मेरे भाई अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी यही है, ऑप्शन नंबर बी हो गया 37वें का हमारा उत्तर। आगे बढ़ें 38 क्या कह रहा है, 38 में मेरे भाई एक तरफ कथन है दूसरी तरफ कारण है, इसी को पढ़कर हमें सही उत्तर दे देना है, सही उत्तर। तो पढ़े हम लोग अपना कथन, जब पढ़ोगे तो शुक्र ग्रह सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करता है। तो मेरे भाई जी बिल्कुल, ऐसे दो ग्रह हैं अरुण और शुक्र जो अन्य ग्रहों की तुलना में उल्टा चलते हैं, यानी सब ग्रह जो होते हैं वो पश्चिम से पूर्व चलते हैं, लेकिन ये दो जो हैं भाई शुक्र और अरुण जो है ये पूर्व से पश्चिम चलते हैं, तो ये बात सही है। कारण इसका है इस ग्रह पर उपग्रहों की संख्या 3 है, तो मेरे भाई उपग्रहों की संख्या 3 तो है ये नहीं है, ये सीधा सीधा गलत है, क्योंकि शुक्र ग्रह पर कोई जो है उपग्रह नहीं है इनके पास, तो इसका मतलब ए सही और आर गलत, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा उत्तर, 38 का डी। 39 में क्या कह रहा है साथियों, बहुत बढ़िया प्रश्न, सतत विकास के संदर्भ में कुछ घटनाएं दी गई है, इन्हीं कालक्रम को इन्हें व्यवस्थित करना है, सतत विकास के संदर्भ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहला इसमें कह रहा मेरे भाई राचेल कार्सन द्वारा साइलेंट स्प्रिंग किताब लिखी गई, साइलेंट स्प्रिंग जो किताब लिखी गई मेरे भाई 1962 में लिखी गई थी, और ग्रेट हार्डिन की ट्रेजरी ऑफ कॉमन्स प्रकाशित जो हुई थी ये 1968 में प्रकाशित हुई थी, 1968 में इकोलॉजिस्ट पत्रिका द्वारा ब्लूप्रिंट फॉर सर्वाइकल का प्रकाशन जो हुआ था मेरे भाई यह 1972 में हुआ था। एक एक चीज़ों को याद करिए, क्लब ऑफ रोम की लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट
इसका जो प्रकाशन हुआ था ये भी 1972 में हुआ था, 1972 में भी हुआ था, लेकिन यह मार्च में हुआ था और यह उसके बाद हुआ था, मार्च के बाद। तो इसका मतलब ये जो है हमारा पहला होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी सीक्वेंस से ही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, यही इसका ऑर्डर है। आगे देखें हम लोग 40 में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है? मेरे भाई बहुत बढ़िया प्रश्न, किस पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या का पिरामिड, संख्या जरूर, आप संख्या नहीं दिया होता, संख्या के जगह पर जीवभार दे दिया होता तो पलट जाता मामला, लेकिन संख्या दे दिया तो यहाँ पर आपको जो है पिरामिड उल्टा बनता है। तो मेरे भाई वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में यहाँ पर उल्टा बनता है, सीधा देखो, सीधा पिरामिड कैसे बनता है, ऐसे, लेकिन कह रहा है किस में उल्टा बनता है, उल्टा बनने का मतलब ऐसे है। तो संख्या के मामले में आप सोच कर देखो, पेड़ पालो जो है वो संख्या में बहुत कम होते हैं, यहाँ मान लीजिए पेड़ पौधे हो गए तो ये संख्या में कम है, इन पे डिपेंडेंट जो चील, कौवे, मानव या अन्य जीव है वो थोड़ा इनसे ज़्यादा हैं, पेड़ पौधे से ज़्यादा हैं मेरे भाई, ऐसा थोड़े जितने पेड़ पौधे हैं उतने जो है ये उस पर डिपेंडेंट है, उनके डिपेंड रहने वाले ज़्यादा हैं। और इनके ऊपर देखेंगे जैसे हो गया वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उनसे ज़्यादा हैं इन पेड़ों पर, इन सभी पर निर्भर रहने वाले। तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे बढ़ता गया, तो बढ़ता गया इसका मतलब ये उल्टा है। 41 में देखें हम लोग, देखें 41 में क्या कह रहा है, ये बढ़िया प्रश्न है। देखें ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कंसेप्चुअल टाइप के प्रश्न होते हैं जो आप छोड़कर चले आते हो, जबकि ये रियल में इसमें कोई दम ही नहीं होता है। ये ओलिव रिडले कछुए, आज दो साल से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ओलिव रिडले कछुआ के संदर्भ में कथन दिया है, उन्हीं कथनों को पूछ रहा है। तो पहला कथन आप पढ़ोगे तो कह रहा है नर कछुओं का आकार मादा कछुओं से बड़ा होता है। नहीं मेरे भाई, ओलिव रिडले कछुए में नर और मादा दोनों सेम होते हैं, उनकी साइज सेम होता है, बड़ा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। आपको बता दें ओलिव रिडले कछुओं की संख्या तेज़ी से घट रही है, इनका शिकार किया जा रहा है अवैध तरीके से, इसलिए इनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई है, इसलिए इनको यूएन के रेड लिस्ट में कछुओं को अति संवेदन प्रजातियों की श्रेणी में रख दिया गया है। तो जी बिल्कुल सही, तो इसका मतलब ओलिव रिडले कछुओं के संदर्भ में केवल दूसरा कथन हमारा सत्य है, पहला गलत है। 42 में हम लोग देखें, इसमें कह रहा है साथियों एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में 10% ऊर्जा का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो मेरे भाई पहले तो आप जान लीजिए उत्तर इसका, इसका जो लिंडेमान के द्वारा ये जो है ये प्रतिपादित किया गया था 10% ऊर्जा का नियम। अब ये क्या होता है 10% ऊर्जा का नियम? जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, इनके पास 100 यूनिट ऊर्जा है, कितना 100 यूनिट ऊर्जा। अब पेड़ पौधों को मान लीजिए बकरी खा गई, तो ये 10% ऊर्जा का नियम यही कहता है कि एक मतलब चैन से दूसरे चैन में जब ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है तो केवल 10% ही ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है, यानी पेड़ के पास 100 यूनिट ऊर्जा है तो यहाँ पर आएगी जो बकरी उसे खा लेगी तो बकरी के पास केवल 10 यूनिट ऊर्जा आएगा, यानी उसका 10%। इस बकरी को जब शेर खा लेगा तो इसके पास केवल इसका 10% ऊर्जा आएगा, यानी एक यूनिट उसको ऊर्जा मिलेगी, तो बाकी ऊर्जा कहाँ जाती है, वायुमंडल में विलुप्त हो जाती है। तो यही है 10% ऊर्जा का नियम जिसे लिंडेमान ने दिया था 42वें वाले प्रश्न में, हमारा यही उत्तर हो जाएगा। आगे चले हम लोग अब 43 में देखते हैं क्या कह रहा है। देखें 43 में भूकंप से संबंधित कथन दिए हुए हैं, बहुत बढ़िया। प्राथमिक भूकंपी तरंगे, हमें पता है तरंगे जो है तीन प्रकार की होती हैं, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातली तरंगे। और प्राथमिक तरंगों की स्पीड बहुत तेज़ी होती है, वह जल, स्थल, वायु तीनों में से होकर गुजर सकती हैं। तो ये तो सही हो गया, प्राथमिक तरंगों के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी दे दिया। अब ये पहली जानकारी जो दी गई है, यह तरल भाग में प्रायः लुप्त हो जाती है। नहीं मेरे भाई, मैंने पहले बताया यह तरल भाग में भी होकर जा सकते हैं, लेकिन इसकी स्पीड कम होती है प्राथमिक तरंगों की। तो
जो द्वितीयक तरंगें होती हैं वो तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं। इसका मतलब ये गलत हो गया हमारा। दूसरा कह रहा है भूकंपी तरंगों में इनकी गति सर्वाधिक होती है। मैंने पहले बताया प्राथमिक तरंगों की गति सबसे अधिक होती है, फिर उसके बाद द्वितीयक तरंग की गति होती है, फिर उससे कम तृतीयक होती है यानी काया ये धरातली तरंगों की। तो इसका मतलब केवल दो हमारा सत्य है। आगे बढ़ें हम लोग 44। पृथ्वी की गति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पृथ्वी के गति के संदर्भ में दो ठो कथन दे दिया है, उनमें कौन सा सही है? तो हमें सही उत्तर का चयन करना है। पहला है, आप जब पढ़ोगे मेरे भाई, तो पहला में कह रहा है विषुवत रेखा पर दिन रात सदैव बराबर होते हैं। जी मेरे भाई, विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है ये। दूसरा कह रहा है पृथ्वी से चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग माह में केवल एक ही बार दिखाई देता है। जी, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, संपूर्ण चंद्रमा नहीं कहा है, संपूर्ण चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग। तो संपूर्ण प्रकाशित, हम लोग चंद्रमा को पूरा नहीं देख सकते, केवल पूर्णिमा के दिन उसका जो है जितने लेवल पर सूर्य चमकता है उसका, तो लगभग 60% हम पूर्णिमा के दिन सूर्य को लगभग चंद्रमा को लगभग 60% देख पाते हैं। इसी को हम कहते हैं कि हमने पूरी चंद्रमा को देखा, लेकिन वो रियल में पूरा नहीं होता है, वह प्रकाशित पूरा होता है। तो ऑप्शन नंबर दो यही ये सत्य है कि पृथ्वी से चंद्रमा का जो प्रकाशित भाग होता है उसे महीने में एक बार यानी पूर्णिमा के दिन देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये ए हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। 45 हम लोग देख लें, देखें बढ़िया प्रश्न है ये भी, मिलाने वाला प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। हमें जानकारी कम होती है फिर भी हमको आ जाता है मिलाने वाला। ज्वालामुखी एक तरफ है, दूसरी तरफ देश है, किस देश में कौन सा ज्वालामुखी है? तो हमें पता है माउंट एटना में इटली है, इसे पहले हम लोग मिला दें। माउंट एटना में कौन सा ज्वालामुखी है? इटली है, ये तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये कोटोपैक्सी मेरे भाई एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इक्वाडोर में है। और माउंट ये क्या है, क्राकाटाओ जो है मेरे भाई, ये क्राकाटाओ इंडोनेशिया में। और माउंट ताल विश्व का सबसे छोटा सक्रिय ज्वालामुखी फिलीपींस में है, यानी सीधा का सीधा सभी मिले हुए हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। 46 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन हिमनदीय अपरदनात्मक स्थलीय रूप है? तो कौन से हिमनदीय अपरदनात्मक यानी अपरदन के द्वारा वो स्थल रूप विकसित हुए हैं? तो यू आकार की घाटी मेरे भाई, जैसे कोई घाटी है, यहाँ पानी आके यहाँ ऐसे पानी आ रहा है और गिरा और फिर ऐसे बह रहा है, तो कुछ समय बाद अपरदन होकर इसमें जगह ज़्यादा बन जाती है, तो यू आकार की बन जाती है, पहले भी रही फिर यू हो गई। तो हिमनदी अपरदनात्मक स्थल रूप है यानी अपरदन के कारण वो स्थल रूप विकसित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा, 46 का ए। आगे बढ़े हम लोग 47 का देखें, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो गर्म जलधारा पूछा है साथियों यहाँ पर, तो ओयोशियो जिसे हम लोग जो है ओशियो को इसे हम लोग जो है कनारी भी कहते हैं, ये क्यूराइल ठंडी धारा भी कहा जाता है इसे, ओयोशियो को ये ठंडी धारा है, गर्म नहीं है। कैलिफोर्निया भी ठंडी धारा है, ओखोस्टक भी ठंडी धारा है, यानी दिए हुए विकल्प में सभी की सभी जो है ठंडी धारा है, गर्म जल धारा कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 में देखें, देखें 48 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन गलत है इसी को हमें पकड़ना है मेरे भाई। तो पहला क्या कह रहा है, पहले मेरे भाई यह कह रहा है बोर्नियो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, द्वीप है, बोर्नियो एक द्वीप है। कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, तो नहीं मेरे भाई, बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसका मतलब यही हमारा उत्तर होगा, यही गलत था। क्यों गलत था? चौथे जगह तीसरा होना चाहिए था। अब इसका मतलब ये तीनों हमारे सही होंगे, तो बोर्नियो राजनीतिक रूप से मलेशिया, ब्रुनोई और इंडोनेशिया में विभाजित है, जी सही है। बोर्नियो विश्व का
ऊंची चोटी माउंट किनाबुल है, बोर्नियो भूमध्य रेखा पर स्थित है। ये बातें तो सही हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज़ और आ रही होगी, तो सर ये चौथा कौन होगा तब, जब ये तीसरा बोर्नियो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है तो चौथा कौन होगा, तो चौथा मेडागास्कर है, याद रखिएगा। 49 देखें, निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो मेरे भाई राइन नदी यूरोप की बहुत ही फेमस नदी है, यहाँ से कोयले का व्यापार होता है इसलिए इसे कोयला नदी कहा जाता है, बहुत ही व्यस्ततम बंदरगाह है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 49 का। तो ये भी है, यहाँ पर एक डेन्यूब नदी है, आपको थोड़ा सा नदियों के बारे में जान लें, तो ये डेन्यूब जो है यूरोप में प्रवाहित होती है, और ये जो वोल्गा नदी है यहाँ पर, ये वोल्गा नदी ये भी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, तो इन सब के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दिया, फिलहाल उत्तर सी होगा। 50 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो मेरे भाई भूमध्य सागर से देखोगे कौन कौन से देश सटे नहीं हुए हैं, इसका इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर मिलेगी, रोमानिया ऑप्शन नंबर डी, यही जो है यह भूमध्य सागर से नहीं सटा हुआ है, बाकी स्पेन फ्रांस इटली ये सब उससे सटे हुए हैं, 50वां का डी हो जाएगा। कुल 21 देश लगती है भूमध्य सागर से, मैप में आप देखोगे तो छोटा छोटा उसमें दिखा होगा, दिखाएगा नहीं, इंटरनेट पे सर्च करोगे तभी मिलेगा। 51 में देखें, देखें 51 में कह रहा है मेरे भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके और हमें जो है उत्तर देना है सही से, किस फसल से संबंधित है, तो कथन दिया है, कथनों को पढ़कर आप पता लगा लीजिए किस किस फसल से संबंधित है, तो आप बताना उसे, इसका उपज काल 5 से 6 महीने तक का होता है, तापक्रम 16 से 23 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए, इसके लिए लगातार नमी की आवश्यकता होनी चाहिए, इसके लिए दोमट एवं चिकनी मिट्टी मिश्रित दोमट मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है, तो ये सारे जो चारों कथन हमें बताया है ये किस फसल के बारे में बताया है मेरे भाई, यह चुकंदर के बारे में बताया है, तो ऑप्शन नंबर सी है चुकंदर के बारे में, क्योंकि गन्ना के बारे में होगा नहीं, गन्ना का जो है 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए और 6 महीने में तो गन्ना होगा नहीं, तो ये सब जो है दिमाग लगाकर थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड लगाकर आप पाओगे कि चुकंदर ही होगा, क्योंकि सीधा आपको मालूम नहीं होगा चुकंदर में, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे एलिमिनेट करोगे तब पता चलेगा। तो देखें 52 में क्या है, अवसादी चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो अवसादी चट्टानों के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है, तो सही उत्तर को हमें देना है, इनका निर्माण रूपांतरित चट्टानों के अपरदन के निक्षेपण से हुआ है, जी मेरे भाई इसमें जो है परतें पाई जाती हैं, इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, यहाँ प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं, अभी मैंने बताया, जी बिल्कुल सही है, तो 52वां का हमारा ए यानी दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। 53 में देख लेते हैं हम लोग, जब नदी अपने विसर्ग को त्याग कर सीधे मार्ग में प्रवाहित होती है तब निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो मेरे भाई गोखुर झील का ऑप्शन नंबर सी 53 का यही उत्तर होगा, क्या होता है आपको बता दें, एक नदी ऐसे चली ऐसे जा रही है, ऐसे चली ऐसे आई, रास्ते में उसको तमाम रुकावटें आ रही हैं तो अपना रास्ता बदल दे रही है, फिर ऐसे आई ऐसे चली गई नदी, तो अंत में क्या होता है, नदियों का जब प्रवाह तेज होता है तो नदियां जो है यहीं से सीधे काट कर मिट्टी को सीधा हो जाती है, अब सीधा बहने लगी ऐसे, अब यहाँ जो ये क्षेत्र इतना बच गया है, इस क्षेत्र में पानी भरा है, तो ये जो झील बन गई ये गाय गोरु के खुर जैसा हो गया, इसी को गोखुर झील कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये नदी यही कहा ना, अपने विसर्ग को त्याग कर सीधे मार्ग में प्रवाहित हो जाती है, तो किसका होता है, तो गोखुर झील का, ये खुर जो है पशुओं के खुर से संबंधित है इसलिए इसे खुर नाम दिया गया। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, इसमें बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों, बहुत मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में, देखें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सागरी लवणता में कमी के लिए उत्तरदायी है, तो मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाइए,
आपको समझ में आ जाएगा। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण से सागरी लवणता में कमी आएगी। तो आप सोच कर देखिए, सागरी लवणता में वाष्पीकरण से कमी आएगी तो मेरे भाई लवणता बढ़ जाएगी वाष्पीकरण से, ये नहीं होगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताऊं, एक गिलास ले लीजिए, इसमें थोड़ा सा नमक घोल लीजिए और एक गिलास पानी में, तो आप पानी पियोगे आपको ज़्यादा नमकीन नहीं लगेगा। पानी को गर्म करके पानी का भाप बढ़ा के उड़ा दो यानी वाष्पीकरण कर दो, तो पानी कम हो जाएगा तो आपको नमकीन ज़्यादा लगने लगेगा। तो इसका मतलब ये वाष्पीकरण से नमकीनपन बढ़ता है, कम नहीं होता है। सागरी हिम का पिघलना, सागरी हिम आपको पता है मीठा पानी होता है, सागरी हिम पिघलेगी, पिघल कर समुद्र में आएगी तो समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो समुद्र का खारापन कम हो जाएगा। जैसे एक गिलास पानी ले लीजिए, इसमें एक पौवा नमक घोल लीजिए, आपको बहुत नमकीन लग रहा है, फिर आप एक लोटा सादा पानी और मिला दीजिए इसी में, तो आपका नमकीनपन कम हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी, सागरी हिम का पिघलेगा तो उसमें लवणता कमी आ जाएगी, जबकि उच्च दाब एवं प्रति चक्रवात भी बढ़ाता है, उच्च अक्षांशों पर सागरी जल का जमाव होता है उससे भी बढ़ती है लवणता, लेकिन इसी से केवल घटेगी हिम का पिघलने से। वेजर नदी निम्नलिखित में से किस सागर में गिरती है? वेजर नदी किस सागर में गिरती है मेरे भाई? यहाँ पर नाम दिया है एजोप सागर, एड्रियाटिक सागर, भूमध्य सागर, उत्तरी सागर। तो हमारा यहाँ पर उत्तर क्या होगा 55 वाले का? तो उत्तर मेरे भाई वेजर नदी होगा। वेजर नदी निम्नलिखित में से किस सागर में गिरती है? तो ये उत्तरी, उत्तरी सागर में, ऑप्शन नंबर बी। यह जर्मनी की प्रमुख नदी है वेजर नदी, याद रखिएगा। आगे देखें 55-56 में, देखें 56 वाले में क्या कर रहा है मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सी नहर आर्कटिक महासागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, यानी आर्कटिक सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? तो मेरे भाई यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत बाल्टिक नहर। जो श्वेत बाल्टिक नहर है वो आर्कटिक सागर महासागर को बाल्टिक महासागर से जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो गया। और ये बहुत फेमस है, ये भी कई सारे एग्जाम पूछा गया है, बी वाला कील नहर। कील नहर के बारे में आपको मैं बता दूं साथियों, कील नहर उत्तरी जर्मनी में है, महत्वपूर्ण नदी है उत्तरी जर्मनी की। यह बाल्टिक सागर को, यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, यानी उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है कौन? कील नदी, कील नहर, तो याद रखिएगा इसे, लेकिन उत्तर इसका ये होगा। आगे देखें 57, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति में सहायक है? तो कई सारे आपको यहाँ कारक दिए गए हैं, कौन सागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति में सहायक होता है, सागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति में सहायक। बर्फ का पिघलना, यस सही है, सागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति में सहायक बर्फ का पिघलना भी होता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है, वायुमंडलीय दाब भी होता है, यानी डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी के सभी उत्तरदायी हैं, सहायक हैं सागरी जल धाराओं की उत्पत्ति में। 58 में देखें हम लोग, क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल हमें पता है जितनी मौसमी घटनाएं घटती हैं क्षोभ मंडल में ही घटती है, हमारे पृथ्वी से सबसे पहले क्षोभ मंडल में ही आता है, कोहरा और ये सब जितनी मौसमी घटनाएँ घटती हैं सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। तो इसकी मोटाई विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है, ये पहला कथन है, ये कह रहा है 58 वाले में, तो ये भी बात सही है, विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई ज़्यादा पाई जाती है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में बढ़ोतरी होती है, मेरे भाई गलत। आप देखिए क्षोभ मंडल में आप 165 मीटर ऊपर जाने पर आपको 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में कमी आ जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कमी पाएंगे, यानी क्षोभ मंडल में आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपको टेम्परेचर कम मिलेगा, इसमें लिख दिया बढ़ोतरी, तो गलत है, दो वाला गलत हो गया, केवल एक सही है। तो इसमें से कौन सा पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है तो सी वाला, यानी दो सही नहीं है। 59 देखते हैं, पूर्वी पिग्मी जनजाति के संदर्भ में किस क्षेत्र में निवास करती है? तो पूर्वी पिग्मी जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? मिस्र में, मोरक्को में, जायरे में, दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर जायरे सी में,
निवास करती है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो आगे चले हम लोग, अब देखते हैं 60 में। 60 में क्या कह रहा है, सागरी उच्चावच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। सागरी उच्चावच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो पहला क्या है, महासागरी ढाल महाद्वीपों की जलमग्न का अंतिम सीमा है। यस मेरे भाई, महासागरी उच्चावच जो होता है वो महासागरी ढाल महाद्वीपों की जो जलमग्न की अंतिम सीमा होती वही होती है। सी ये सही है। जलमग्न कटक पृथ्वी पर सबसे लंबे पर्वत तंत्र का निर्माण करते हैं। 60वां का मेरे भाई ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, ए और दो दोनों सत्य हैं। 61 में क्या है, निम्नलिखित में से किस देश को काकेकस राज्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो काकेकस राज्य क्या होते हैं मेरे भाई, आपको पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं। एक तरफ जैसे यहाँ जो है काला सागर हो गया, यहाँ कैस्पियन सागर हो गया, इन्हीं के बीच एक काकेकस पर्वत श्रेणी पाई जाती है। इनके आसपास के जो देश हैं, 6 देश हैं शायद, तो उन्हीं को जो है ये कहा जाता है, 6 देशों को काकेकस राज्य कहा जाता है। तो उनमें से कौन सा नहीं है, तो उन 6 देशों का नाम मेरे भाई आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की और ईरान। तो यहाँ पर मेरे भाई यूक्रेन नहीं है, काकेकस राज्यों में यूक्रेन सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिएगा आप लोग, ये काला सागर कैस्पियन सागर। 62 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ घाटी दिया है, एक तरफ उसका लोकेशन अवस्थिति दिया है। तो मेरे भाई बढ़िया प्रश्न जो है 62वां का हमारा ये। तो कौन सा सही सुमेलित है, सही वाला, तो सबके ये मरखा घाटी, कहीं कहीं पर ये मूर्खा घाटी भी लिखा रहता है, ये हमारे लद्दाख में है। ये बात बिल्कुल सत्य है, हमें क्लियर है, बहुत क्लियर फैक्ट है, ये प्रचलित है। तो ये सही हो गया, तो इसका मतलब ये तीनों गलत हैं। अब ये तीनों गलत हैं तो इनको हमारा सुधार करना हमारा ही काम है, ऐसे छोड़ देना थोड़ी ना अच्छी बात है। तो उत्तर तो हमको पता चल गया, लेकिन इनको भी थोड़ा सुधार कर लिया जाए कि नेवरा घाटी कहाँ है। तो मेरे भाई आपको बता दें, ये नेवरा घाटी पश्चिम बंगाल में है, ये पश्चिम बंगाल में है नेवरा घाटी। युमथांग घाटी, युमथांग घाटी मेरे भाई सिक्किम में है। तो युमथांग घाटी एक, यहाँ जो है किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में। इन चीज़ों को फैक्ट को याद कर लीजिएगा। आगे चलें 63 में, किस पूर्वी घाट मतलब पूर्वी घाट पर्वत की प्रमुख पहाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी सबसे दक्षिण में अवस्थित है। तो मेरे भाई ऐसे आप देखेंगे, यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं इन्हें पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ कहते हैं, पश्चिमी पहाड़ियाँ। पूरब की तरफ जो है भारत के यहाँ से जो साउथ में है, इन्हें पूर्वी पहाड़ियाँ कहते हैं। पूर्वी पहाड़ियाँ में कई हिस्से हैं, तो कई नाम के हैं। तो कह रहा है सबसे दक्षिण में, यानी सबसे दक्षिण में जो यहाँ पर पहाड़ी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम जावडी पहाड़ी है। ये कहाँ है जावडी, यहीं दक्षिण में, पूरब के दक्षिणी छोर पर। आगे देखें हम लोग अब 64 में, प्रायद्वीपी भारत की निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना अरब सागर में नहीं है। तो मेरे भाई प्रायद्वीपी नदियों का हमें मालूम है, प्रायद्वीपी नदियां हैं, कुछ नदियां अरब सागर की जाती हैं जो पश्चिम में पाती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, ऐसे ना, जो यहाँ अरब सागर में गिरती है पश्चिम तरफ, और जो पूरब सागर की पूरब तरफ बहती है बंगाल खाड़ी में आकर गिरती हैं। तो कह रहा है किस नदी का मुहाना अरब सागर में नहीं है। अरब सागर में नहीं है लेकिन उसका, इसका मतलब ये हुआ कि उसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। तो बंगाल की खाड़ी में ये कावेरी नदी का है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये कावेरी नदी का मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। तो ये चीज़ों को याद रखिएगा मेरे भाई, बहुत फेमस नदी है ये। और बाकी यहाँ जितनी काली नदियाँ, पेरियार नदी, भरतपुगा नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, ये सब पश्चिम की ओर बहकर यहाँ अरब सागर में गिरती है। तो कावेरी नदी को याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। तो कई सारे जो परियोजनाएं वगैरह हैं कावेरी नदी से संबंधित पूछा जाता है कावेरी नदी के बारे में। 65 में क्या है, निम्नलिखित में से लाल रंग के लिए मृदा में लाल रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिम्मेदार है।
तो मेरे भाई फेरिक ऑक्साइड होता है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो, या Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड है, इसी की वजह से मिट्टी लाल होती है। तो आगे देखें हम लोग अब 65-66 में, 66 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन से संबंधित नहीं है। तो कौन सी विशेषता उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन से संबंधित नहीं है, तो आपेक्षिक आर्द्रता 63 से 77% के मध्य, ये तो है यहाँ पर। तो वृक्षों के मध्य कांटेदार झाड़ियाँ ये भी पाई जाती है, उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन से संबंधित ये भी तो हैं। छोटे छोटे घास के मैदान ये भी पाए जाते हैं, केवल दक्षिण भारत में विस्तार, ये गलत है मेरे भाई। उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन केवल दक्षिण भारत में नहीं है, यह उत्तर भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी की भी तरफ हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 66 का उत्तर होगा। 67 में देखें मेरे भाई, बढ़िया प्रश्न है यहाँ पर, एक तरफ जनजाति दिया है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य, कौन सी जनजाति किस राज्य से संबंधित है उसी को मिलाना है। तो आदि जो है ये अ से अरुणाचल प्रदेश, आदि अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है, ये हो गया। और जो ये क्या है, ईरूला कहाँ का है मेरे भाई, ईरूला जो जनजाति है यह केरल की है, ये बिझिया है, इसमें बिझिया कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की, हट्टी हिमाचल प्रदेश, यानी सब सीधे सीधे मिले हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़े हम लोग 68 में देखते हैं क्या है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध बादाम पहाड़ खान किस राज्य में अवस्थित है। तो आपको एक सुने होंगे लौह अयस्क की खान है बादाम की पहाड़ी पर, तो कहाँ है, तो ओडिशा में है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखें हम लोग, सेनेजोइक महाकल्प निम्नलिखित में से किस काल के मध्य या लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। तो सेनेजोइक महाकल्प के निम्नलिखित में से किस काल में लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, तो यहाँ पर मायोसीन काल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70 में मेरे भाई देख लेते हैं, बढ़िया प्रश्न है ये भी, कई बार RO/RU के एग्जाम में भी ये पूछा गया है। पोनम, इसे पोणम भी कहीं कहीं लिखा होता है, पोनम स्थानांतरित कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। हमें मालूम है स्थानांतरित कृषि क्या होती है, जब बहुत सी जनजातियाँ, बहुत से ऐसे समाज जो जाते हैं किसी जंगल में, वहाँ के पेड़ पौधे घास फूस को साफ करके वहाँ पर मैदान बनाकर खेती करते हैं, जब यहाँ के मिट्टी की उर्वरता ख़त्म हो जाती है तो इसे छोड़कर यही काम अन्य जगहों पर चले जाते हैं, तो इसी को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। तो स्थानांतरित कृषि में एक पोड़म शब्द आता है, ये कहाँ होती है, जैसे हमारे उत्तर में, उत्तर भारत में होती है, तो ये पोड़म कहाँ है मेरे भाई, यह केरल में, ऑप्शन नंबर ए 70 का हमारा यह उत्तर हो जाएगा। पोणम स्थानांतरित किसी का एक प्रकार है, ये किस राज्य से संबंधित है, तो केरल से संबंधित है। और ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे मध्य प्रदेश में भी अलग नाम है, गुजरात में भी, उड़ीसा में भी ऐसे आपको मिल जाएंगे, आंध्र प्रदेश में, जैसे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसे पोडू कहा जाता है, पोडू, ये वाला पोडू, तो ऐसे ही याद रखिएगा आप लोग। आगे चलें 71 में, दीफू दर्रा मेरे भाई बढ़िया प्रश्न है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया, ये UPSC में भी एक बार इसी टाइप का प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस देशों के ट्राई जंक्शन पर अवस्थित हैं। तो मेरे भाई दीफू दर्रा आपको मालूम होगा अरुणाचल प्रदेश में है, तो आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, अरुणाचल प्रदेश में है तो वहाँ से किस जंक्शन में हो सकता है, भूटान में तो होगा नहीं, तो वहाँ पर भारत चीन म्यांमार के जंक्शन पर, ऑप्शन नंबर बी। 72 में, काकेकश लद्दाख एवं कैलाश श्रेणियाँ, काकेकश लद्दाख एवं कैलाश श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत का भाग हैं। तो मेरे भाई ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ऑप्शन नंबर ए, हिमालय कई सारों में बटा, जो मेन हिमालय है उसे हम लोग ग्रेट हिमालय कहते हैं, उसके पार का जो, उस पार का जो है क्षेत्र है उसे हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय में काराकोरम लद्दाख कैलाश श्रेणियाँ हैं, उसी का भाग है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा।
73। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित नहीं है? तो मेरे भाई इसमें तीन ऐसे नाम हैं जो कावेरी नदी पर ही हैं और एक कावेरी नदी पर नहीं है, तो उसी को पकड़ना है हमें। तो यहाँ पर मेरे भाई ये धुआंधार जलप्रपात है, यह नर्मदा नदी पर है। इसका नाम धुआंधार क्यों पड़ा? ये जलप्रपात जहाँ गिरता है तो बहुत सारा कोहरा, जलवाष्प, ऐसे मतलब जो वहाँ का भाप होती है कोहरा जैसा बन जाता है, धुआं जैसा बन जाता है, उसी का नाम ये धुआंधार बन गया। तो ऑप्शन नंबर सी, ये धुआंधार नर्मदा नदी पर है। जबकि भारचुक्की जलप्रपात, बालमुरी जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, ये सब जो है कावेरी नदी पर है। और ये शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में है, जानते हैं वहाँ है ये। आगे बढ़ें 74 में। निम्नलिखित में से किस झील में वेलिंगटन द्वीप पाया जाता है? तो वेलिंगटन द्वीप किस झील में पाया जाता है? तो मेरे भाई ये जो है वेम्बनाड, ऑप्शन नंबर बी, वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप पाया जाता है। मेरे भाई आपको बता दें, इसी द्वीप पर जो राष्ट्रीय स्तर की नौकायन प्रतियोगिता होती है केरल में, वहीं ये होता है इसी द्वीप पर। तो ये चीज़ याद रखिएगा। लोनार झील तो महाराष्ट्र के बुलढाणा ज़िले में है, जो उल्का पिंड के माध्यम से बनी हुई है। और लोकटक झील तो ये मणिपुर में है, ये सबको जानते ही आप लोग। तो इसका उत्तर वेम्बनाड हो जाएगा 74 का। तो साथियों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75। बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखेंगे आप कितने हल्के तरीके से आपको थोड़ा सा घुमाना चाह रहा है कि बच्चे घूम जाएं, परेशान हो जाएं, लेकिन घूमिएगा नहीं आप लोग, देखिएगा ध्यान से इसे। कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यही सारा कलाकारी है जो सही नहीं कर दिया, यही जो बच्चा सीरियस से पढ़ लिया, क्योंकि आईएएस पीसीएस में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं सिर्फ पढ़ने का उसमें कलाकारी होती है, जो पढ़ ले गया ठीक से वो कर ले गया। तो कौन सा सही नहीं है उसी को हमें उत्तर देना है। तो पहला पढ़ेंगे, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। नहीं मेरे भाई ये तो गलत है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसूनी वन नहीं कहा जाता, बल्कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन कहा जाता है। तो ये गलत हो गया, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन कहा जाता है, जैसे हम लोगों के यहाँ यूपी बिहार इन सब क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो विशेष मौसम में गर्मियों में अपने पत्ते गिरा देते हैं, ये तो गलत हो गया। दूसरा, ये केवल पश्चिमी घाट एवं अंडमान निकोबार के द्वीप में विस्तृत है। नहीं मेरे भाई ये भी गलत है, जो कह रहा है केवल पश्चिमी घाट एवं अंडमान निकोबार द्वीप में विस्तृत हैं, तो अन्य जगहों पर भी विस्तृत हैं, ये वहीं पर नहीं है। तो दोनों के दोनों कथन गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो गया। तो साथियों वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए हम इसको पार्ट वन करके रोक रहे हैं, इस हमारे जियोग्राफी का जो ये टेस्ट सीरीज है पार्ट वन करके। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इसका पार्ट टू लेकर आएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 150 तक होगा। तो साथियों समय की किल्लत है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, आपको देखने में हमें अपलोड करने में परेशानी होगी, क्योंकि चीज़ों को हम अच्छाई से और गहराई से बताना चाहते हैं। तो चलें हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।